देश में आतंकवादियों के लिए पेश हुआ है वो सबूत मांग रहा है, कपिल सिब्बल मांग रहा है, बताइए बताइए कपिल सिब्बल, देवेंद्र पाल गुल्लर जिसने मेरे पे ब्लास्ट किया दिल्ली में यूथ कांग्रेस के अफसर में अखिलेश सिंह जी। इस सवाल का जवाब देने के लिए एम एस बिट्टा साहब AIATF अध्यक्ष है, चेयरमैन है, हमारे साथ यहाँ नोएडा में जुड़ गए हैं। अमीर हैदर जैदी साहब कम्युनिस्ट विचारक भी हमारे साथ जुड़ गए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिट्टा साहब देखो मैं पहले सर्जिकल स्ट्राइक की तो बाद में बात करूंगा, जो अभी इन्होंने पेंशन का मुद्दा उठाया, शहीद का मुद्दा उठाया, शहीद के नाम के ऊपर मैं आपसे सहमत हूं, ये होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, पर ये मेरा अनुभव है क्योंकि इन शहीद परिवारों के लिए कारगिल के युद्ध से पहले हम ही खड़े हुए थे जब उस वक्त सरकारें लाशों की कीमत लगाती थी 70,000 और उस वक्त हमने सरकारों को जगाने के लिए 2-2 लाख किया था। आज मैं ये गर्व से कह सकता हूं आज कोई भी शहीद होगा BSF CRP CISF या कोई फोर्स का उसको 1 करोड़ सरकार देती है, नौकरी देती है। शहीद का दर्जा नहीं हुआ वो होना चाहिए, इसका हमें बहुत बड़ा परिवारों को सुकून है और स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, नहीं बिट्टा साहब अमीर हैदर जैदी साहब इस मामले में बहुत समझदार है, उनको पता है कि सवाल उठाए जाएंगे जिस तरीके की हम राजनीति कर रहे हैं तो फिर वो दूसरा टॉपिक लेकर आए। सेना पे किसी भी क्लियर बात करूँ इनको किसी को किसी भाजपा को भी नहीं होती। मुझे एक चीज बताइए, मैं मानता हूँ कि IB के ऊपर हम प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, मैं मानता हूं कि स्टेट पुलिस के आप सुरक्षा चिन्ह लगा सकते हैं, पर आप सेना के ऊपर उंगल हम नहीं उठा सकते। सेना ने कुर्बानी देने के लिए गए थे और कैंप तबाह किए, हम 300 भी कहे 400 भी कहे क्या कहने में हर्ज है, अगर 200 भी मारे हम 300 कहे, बताए पाकिस्तान को तेरे 300 आतंकवादियों को जो तू हिंदुस्तान के अंदर तो बेगुनाहों के कत्लेआम करने के लिए और तू हमारे जवानों को करने के लिए बेटा तेरा 300 नहीं हमने तेरा 400 मारा है, तेरी ऐसी की तैसी पाकिस्तान हिंदुस्तान से सवाल पूछेंगे। मैं फिर कहूं CBI पे शक किया जा सकता है, IB पे शक किया जा सकता है, तो और फोर्सेस पे, पर सेना पे शक नहीं किया जा सकता। वो 12 प्लेन वो जाते हैं आते हैं, वो कब हमें बताएंगे, कब अपने सिस्टम से पूरी पिक्चर को लेके आएंगे, ये उनका काम है, ये काम पॉलिटिकल लोगों का नहीं है। ये आज पाकिस्तान हत्ता होगा, हमारी ये वीडियो चलेंगी, वो कहेंगे जो काम हम नहीं कर सकते वो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं। हम एक कब होंगे, क्या जब 71 का युद्ध हुआ, क्या इंदिरा गांधी ने जब जीत प्राप्त की क्या सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक नहीं हुई, मेरी बात सुनो इकट्ठी नहीं हुई क्या, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा को दुर्गा नहीं कहा, सवाल इस वक्त राष्ट्र का है, सवाल कम्युनिस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं तो हम है, हम आपको मिल के ऐसे होना चाहिए। अखिलेश जी सुन रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कहना चाहता पर मैं कहना चाहता हूँ सेना आपने बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा, आप सेना सबसे बड़ी सबसे ज्यादा मेरे केस में आतंकवादियों के लिए पेश हुआ है वो सबूत मांग रहा है, कपिल सिब्बल मांग रहा है, बताइए बताइए कपिल सिब्बल देवेंद्र पाल गुल्लर जिसने मेरे पे ब्लास्ट किया दिल्ली में यूथ कांग्रेस के अफसर में, अखिलेश सिंह जी आप आया करते थे मेरे छोटे भाई है, उसका उसका केस किसने लड़ा, उसने लड़ा कपिल सिब्बल ने केस लड़ा आतंकवादियों को फांसी से बचा लिया, उस आतंकवादी आज बाहर आ गया। बिट्टा जी बिट्टा जी बिट्टा जी हाँ बिट्टा जी बिट्टा जी आप मेरे अध्यक्ष रहे हैं, BJP के मैं दर्जनों नेताओं का नाम गिना सकता हूं जो इंदिरा गांधी की हत्या से लेकर आतंकवादियों के पक्ष में वकालत की है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब फिर क्या लगाया जाए। ऐसा है कोई किसी का कोई बोले मेरा मैं डिबेट को दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता, ये हो रही है किसी से सवाल पूछेगा, सवाल वो नहीं है मेरा, किसी को मेरे लिए कभी जिंदगी में राजनीति में नहीं देखूंगा,
कभी न लड़े कभी मैं चुनाव लड़ा हूं। मेरे लिए प्रथम मैं शहीदों के लिए रोता आप भी चाहते होंगे पर राष्ट्र के साथ काफी नहीं होनी चाहिए। शहीदों का अपमान नहीं होना चाहिए और जिन जवानों ने बहादुरी दिखाई है वो रोते जरूर होंगे कि हमारे हमारे नाम मोदी जी बीजेपी अखिलेश जी हाँ बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। आप जिस तरीके से इस इतने सेंसिटिव मुद्दे को हवा में ले रहे हैं ना, हल्के में ले रहे हैं, आप समझ जाइए ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप सेना की परफॉर्मेंस पर सवाल उठा रहे, कोई और नहीं विंग कमांडर कह रहा, आप कह दीजिए विंग कमांडर भी बीजेपी के हैं। रूबिका लियाकत सवाल उठाए तो बीजेपी के हो गई, एमएस बिट्टा सवाल उठाए तो बीजेपी के हो गए, अलूवालिया बीजेपी के हैं तो वो आपके हो गए। दिख रहा है कैसी आपकी राजनीति है।